हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टुडे। मैं फिर से चलाया ऑनलाइन में स्टैंडर्ड 4 का हिंदी का क्लास लेने के लिए। तो तुम सब तैयार हो जाओ मेरे साथ हिंदी के क्लास करने के लिए। चलो आज हम तुम सभी को एक स्टोरी पढ़कर सुनाते हैं जिसका नाम है टिप टिपिया। रिमझिम 3 का चैप्टर 7। स्टोरी का नाम क्या है देखो, टिप टिपिया, टिप टिप्पा। स्टोरी का नाम है टिप टिप्पा। तो आज का दिनांक क्या है, 14/7/20। चलो पढ़ते हैं इसमें क्या है। ये एक उत्तर प्रदेश का लोक कथा है और इस कहानी का, ये जो स्टोरी है इसका रचनाकार कौन है देखो, गिरिजा रानी अस्थाना। देखते हैं इस कविता में क्या, इस स्टोरी में क्या है। चलो ध्यान से सुनना। एक थी बुढ़िया, इसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुए, ऐसे बारिश पहले कभी नहीं हुए। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेतक पोता दादी के गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बच्चा का कहानी सुनाए, ये टिपटिप्पा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिप्पा कौन है? टिप टिप्पा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छात से टपकाते हुए पानी की तरह देखकर बोली, हाँ बचबा, ना सोखा के डर ना बगबा, ना सोखा के डर ना बगबा के डर, डर तो डर टिप टिप्पा के डर। संयोग से सूचीबद्ध का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वो और डर गया। अब ये टिप टिप्पा कौन थी बला है? जरूर ये कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिप्पा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वो मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वही से दुम दबाकर भाग चला। यहाँ पर देखो बूढ़ी अम्मा और उसका पोता। उसी गांव से एक धोबी रहता था, वो भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गाधा गायब था। सारा दिन वो बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गाधे को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। धोबी के पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से कहो, क्यों नहीं पूछते, वो बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहता है। तो देखो तो स्टोरी का नाम क्या है, इस स्टोरी का नाम है टिप टिप्पा। इसमें क्या है, इसमें
ये एक उत्तर प्रदेश का लोक कथा है। इनमें कौन कौन है? इसमें एक बुढ़िया है और इसका पोता है। क्या हो करती है? पोता रोज रात को सोने से पहले उसके दादी से कहानी सुनने का बहाना ढूंढते हैं। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, मूसलाधार बारिश हुआ और ऐसे बारिश पहले कहीं नहीं थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेतक पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुन रही थी। और बुढ़िया बोली, अरे बचबा, कहानी क्या सुनने, ये टिप टिपा से बाँचे तो। तब ना पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी टिप टिपिया कौन है? शेर बाग से भी बड़ा होता है? दादी उसे टपकाते हुए, दादी छत से टपकाते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचबा, ना सोखा के डर, ना बगबा के डर, डर तो डर टिप टिप्बा के डर। संयोग से सूचीबद्ध का सारा एक बाग बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाग बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनने ही वो और डर गया। आप ये टिप टिप्पा कौन सी बला है? जरूर ये कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाग से ज़्यादा टिप टिप्पा से डरती है। उसने इससे पहले कि बाहर आकर वो मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए, पोता ने कहा। बाघ से ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसे गांव के एक धोबी रहता था, वो भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गाधा गायब था। सारा दिन वो बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गाधा के ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। धोबी के पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित से पूछना, वो तो सबकी हल का खबर रहती है ना। तो यह था टिप टिप्बा का कहानी, एक रचना। अगले दिन इस जो ये जो कहानी है मैं पढ़कर सुनाऊँ, उसके बाद इसका अर्थ तुमको कराऊँगी। तब तक इसे घर में अच्छी तरह से रीड करना। आज यही तक। बाय स्टूडेंट।